कौन है तुम्हारे पास? ये तो ड्यूटी लग रही है, सभी घाटों पर ड्यूटी लगे, मेला क्षेत्र में मेला लगाएगा, मेला के बाद गुलाब लीक लगाएगी, ओवरलोडिंग ना होने दे, उतने में फिर काफी ठीक लगेगा। वैसे मैंने नया ट्रीटमेंट लगना तो रुकवा दिया, मैंने कहा जितने लग गए लगे, इनको पीछे शिफ्ट शाम को डिसाइड कर दीजिए। दक्षिण कभी भी आज तक नहीं बता कोई मार्ग हमारा ना, एरिया भी नहीं था एरिया पहले कभी नहीं था, एरिया भी नहीं था पहले हमारा एरिया कम था, लेकिन अच्छे वार्ड के इस दक्षिण साइड में चलेंगे। अब तुम जो है ना टेंशन में रहते हो, मस्ती से काम कर, हाँ सर इस बात हमेशा नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, काम कर रहा है, चलो आगे भैया सामने ना आज माघ मेले का पहला दिन है और यहाँ पर पौष पूर्णिमा स्नान पर्व बहुत जोर शोर से चल रहा है। भोर से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हुए थे और काफी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, संगम में डुबकी लगा चुके हैं और चीनी यात्री हवेन सांग ने भी इस माघ मेले का अपने यात्रा वृत्तांत में जिक्र किया था, तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और यहाँ कल्पवासी भी रहते हैं, एक महीने कल्पवास करेंगे। आज पौष पूर्णिमा शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक इनका स्नान पर्व चलेगा, तो ये लगातार एक महीने रहेंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। यहाँ पर लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो निगाह रखे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। यहाँ पर मेरे साथ जिलाधिकारी इलाहाबाद राजीव अग्रवाल जी घोड़े में घूम रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या व्यवस्थाएं की हैं बताएं। व्यवस्थाएं संपूर्ण है, जैसे आप देख रहे हैं स्नान सुबह 4 बजे से चल रहा है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है और पूरी व्यवस्था है, हमारे वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं सुविधाएं देने के लिए, पुलिस के सारे जवान तैनात हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था है, उसी के तहत ये घुड़सवारी के तहत किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। और सबसे अच्छी बात यह कि श्रद्धालुओं का, जनता का भी सहयोग पुलिस और प्रशासन को मिल रहा है और चाहे क्विक रिएक्शन टीम्स हों उनकी तैनाती है, आरएएफ इस बार इस्तेमाल की गई है, सेना के जवान भी आवश्यकता अनुसार उनको उनका उपयोग किया जाएगा, विभिन्न इमरजेंसी के दृष्टिकोण से इवैक्यूएशन और रूट्स इत्यादि सब तैयार हैं। तो जिस तरह बता रहे हैं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि माघ मेला है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि माघ मेले का प्रथम स्नान पर्व है, लगभग 6 स्नान पर्व टोटल है, लगभग 23 फरवरी तक संपन्न होगा, तो यहाँ पर काफी संख्या में जिस तरह श्रद्धालु आ रहे हैं काफी जोश है, काफी उत्साह है उनके अंदर और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं चाहे जिलाधिकारी हों चाहे एसएसपी इलाहाबाद हों, दोनों लगातार यहाँ पर संपर्क रखे हुए लोगों से, लगातार यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे लगातार खुद रात को पूरी रात यहाँ पर रहे, उसके बाद सुबह भी यहां पर रहे, तो देखा जाए तो इसको लेके काफी यहां पर व्यवस्थाएं जगह जगह, आज जो पूरा मेला क्षेत्र है उसमें वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कैमरामैन अरविंद द्विवेदी के साथ सुशील कुमार तिवारी, सहारा न्यूज ब्यूरो इलाहाबाद।